मरीजों के हक का ऑक्सीजन आखिर कहां चला जा रहा है? क्यों अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे मरीज? इन सवालों के जवाब यहां हैं। ये देखिए किस तरह हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी। ये तस्वीरें गुरुग्राम की हैं, जहां ड्रग कंट्रोलर और गुरुग्राम पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में छापेमारी हुई। इस छापेमारी में 260 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए। हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि महाराष्ट्र से एक ट्रक है जो गुड़गांव आया है और एक कम्युनिटी सेंटर अलीकपुर में खड़ा हुआ है, जहां से ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा है। तुरंत हमने एक टीम का गठन किया और पुलिस बादशाहपुर को लेकर हम मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंच के हमने देखा कि वहां पे एक ट्रक था जिसमें से कुछ सिलेंडर्स रखे हुए थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स थे, टाइप बी और टाइप डी टाइप के। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जहां पे भी वो बल्क मिलेगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के फरीदकोट में तो गजब फर्जीवाड़ा चल रहा था। यहाँ के एनजीओ के एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही थी। एनजीओ एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर भरकर फरीदकोट से दिल्ली भेजती थी। एनजीओ एक एक सिलेंडर 35,000 रुपए तक में बेचता था। एनजीओ का शख्स सिलेंडर ब्लैक करते हुए दिल्ली में पकड़ा गया, तब जाकर इस खेल का खुलासा हुआ। फरीदकोट पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे एम्बुलेंस और तमाम सिलेंडर भी बरामद किए हैं। पुलिस ऑक्सीजन गैस के गोदाम के रिकॉर्ड चेक कर रही है। जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था वो सिलेंडरों की ब्लैक करता हुआ पाया गया, तो वो जो ड्राइवर है उसको हिरासत में ले लिया गया है। और इसके अलावा जो मैंने अपने जो SSP है, पुलिस अथॉरिटीज है, उनको बोल भी दिया है कि जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो कानूनी कार्रवाई की जाए। कोरोना संक्रमण काल में कालाबाजारियों की चांदी हो गई है। दिल्ली NCR और UP के तमाम शहरों के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट का कालाबाजारियों ने जमकर फायदा उठाया है। चंद पैसों की खातिर लोग कितने गिर सकते हैं, इसकी नजीर है ये तस्वीरें। ये आग बुझाने वाले सिलेंडर हैं, जो लाल रंग के होते हैं, लेकिन कोरोना काल के गिद्धों ने इन सिलेंडरों का रंग उतार कर इन्हें काले रंग में रंग कर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। बड़ी सफाई से आग बुझाने वाले सिलेंडर में ऑक्सीजन सिलेंडर का नोजल लगा देते थे। दिल्ली पुलिस ने काला बाजारियों के पास से ऐसे 532 सिलेंडर बरामद किए हैं। ऑक्सीजन रिफिलिंग तो आसानी से हो जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर आसानी से लोगों को नहीं मिल रहा है, और इसी का फायदा कुछ इंसानियत के दुश्मन उठा रहे हैं, जो लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हैरानी इस बात की हो गई है कि अगर आप ये देखिए, ये जो आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं, ये अग्निशामक यंत्र है, यानी आग बुझाने के काम में ये जो सिलेंडर है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, वो इस तरीके से, ये देखिए लाल रंग का ये होता है अग्निशामक यंत्र जो आग बुझाने के काम में इस्तेमाल होता है, उसको इस तरीके से जो काले रंग में पेंट किया जा रहा था और उसके बाद जो है उसको जरूरतमंद लोगों को बेचा जा रहा था। तकरीबन 500 ऐसे सिलेंडर है जो दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। काला बाजारी करने वाले इन फायर एक्सटिंग्विशर्स में ऑक्सीजन भरने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने अलीपुर इलाके में छापे मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार करके इस काले धंधे का भंडाफोड़ कर दिया। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, देश भर में तमाम जगहों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की काला बाजारी की खबरें भी आ रही हैं। इस मामले में जगह जगह गिरफ्तारियां हो रही हैं। ताजा मामला इंदौर का है, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की काला बाजारी में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने कॉल सेंटर खोला है। इस कॉल सेंटर की मदद से अब तक करीब 150 ठगों और कालाबाजारियों को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना संक्रमण काल में पैसे के पीछे पागल लोगों की ये बेहद घिनौनी कारस्तानी सामने आई है। गाजियाबाद में जहां इस्तेमाल किए गए दास्तानों को फिर से पैक करके बेचने का धंधा फल फूल रहा था, पुलिस ने गाजियाबाद के ट्रॉनिका सेंटर में चल रहे इस धंधे का पर्दाफाश किया, साथ ही 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। फरीदकोट से प्रेम पासी, गाजियाबाद से मयंक के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।